नमस्कार दोस्तों, मायोपचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पैरासिप टेबलेट के बारे में जानकारी देंगे, जैसे कि ये किस बीमारी में काम आती है, इसको कब लेना चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, इसको लेते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और ये मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन है या OTC मेडिसिन है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आइए जानते हैं इसका उपयोग किन बीमारियों में किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से बुखार और दर्द के उपचार में किया जाता है। आइए जानते हैं यह दवा कैसे काम करती है। ऐसा माना जाता है इसमें मौजूद पैरासिटामोल आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि स्पाइन और ब्रेन पर काम करता है। शरीर को में तापमान और दर्द के लिए जिम्मेदार प्रोस्टाग्लैंडिन के संश्लेषण को रोकती है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि दर्द और बुखार के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अलावा ये ब्रेन को पेन का संकेत देना बंद कर देती है, जिससे हमें पेन का एहसास नहीं होता है। तो आइए बात करते हैं इस दवा के डोज के बारे में। नॉर्मली एडल्ट को इस दवा की 350 mg से 1000 mg तक दिन में 2 से 3 बार दी जाती है। बच्चों को इस दवा की खुराक उसके वज़न के एतबार से दी जाती है, यानी कि अगर आपका बच्चा 10 kg का है तो उसका डोज 100 से 200 mg हर 4 से 6 घंटे में देना चाहिए। अगर आपका बच्चा 20 किलो का है तो 200 mg से 300 mg हर 4 से 6 घंटे में देना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस दवा से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, हर दवा के कुछ फ़ायदे के साथ साथ कुछ नुकसान भी होते हैं, इसी तरह इस दवा के भी कुछ नुकसान हैं, जैसे कि कब्ज़, भूख कम लगना, रैशेस, जलन, सूजन, ओवरडोज की वजह से लीवर को नुकसान। तो आइए जानते हैं इस दवा को लेते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इस दवा को लेना पूरी तरीके से सुरक्षित माना जाता है। यह एक OTC मेडिसिन है, यानी कि इसको डॉक्टर के पर्चे के बिना भी किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीदा जा सकता है। इसको लेते समय कोई ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप शराब पी रहे हैं तो इसको लेते समय शराब ना पिएं, और अगर आप पहले से ही किडनी या लीवर की बीमारी से ग्रस्त हैं तो इसको लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर ये दवा आपके करीबी मेडिकल स्टोर में उपलब्ध ना हो तो आप इसकी जगह कौन सी दवा ले सकते हैं, जैसे कि पैरासिटामोल, करोसिन, कालपोल, पैसीमोल, पैरिजेसिक, सुमोएल एंड डोलो। तो ये थी पैरासिप टेबलेट के बारे में जानकारी। इसके बारे में विस्तार से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और मायोपचार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।